Cam and Naveen, and Qaeda-Azam Muhammad Ali Jinnah became its first Governor General. Pakistan Day demands us the same unity, fair, discipline to be the ideal nation of the world. Every Pakistani should come forward and work for the great cause, which is fair, unity and discipline. Zulzalon ke naam dastaras ho kabhi, zulzalon ke naam dastaras ho kabhi, ae watan tere istiqmaat tak. हम पर गुजरे कयामतें लाखों, लेकिन तू सलामत रहता कयामत तक। पाकिस्तान जिंदाबाद। ताबा अचानक है तो पाकिस्तान की कैफियत में छाने लगा और नए जमीनों मकान का सफर करते मिस्र के सहराब ने करीमुल्ला को फिरौन से लड़ते तो कभी फजलुल्ला को नमरूद को ललकारते तो कभी शहंशाह अकबर को अपने असहाब के हमराह हजरात में काफिरों से लड़ते तो कभी हुसैन इब्ने अली को करबला के मैदान में राह हक का प्रसंग लिए खड़ा देखती हूँ। तारीखी और आप हकीकत से पर्दा उठाते हैं कि मोहम्मद किरदार हिफाजत चमन के लिए, इब्राहिमी वकार हिफाजत चमन के लिए, मुस्लिम अलवार हिफाजत भी भड़क सकता है, उसको कुव्वत में तकब्बुल है, मगर मुझको यकीन दस्ते हक पार हुए कातिल को झटक सकता है। मेरे जल्लाद को मालूम ही नहीं है शायद मेरा दिल दस्ते अजल में भी धड़क सकता है। लेकिन आने वकार एक लम्हे के लिए सोचिए, सोचिए कि जब इस सरजमीन पाकिस्तान पर नन्ही ज़ैनब को रिसवा किया गया, जब 12 साल इकबाल मसीह और 23 साल मिसाल खान को अपने हुकूक की आवाज उठाने पर कत्ल किया गया, जब माए भूख के अवर बच्चे बराए फरोख का बोर्ड हाथ में खामे खड़ी होंगी, तो उस लम्हे बानी पाकिस्तान की रूह भी काम गई होगी। और मेरा पाकिस्तान कहता है कि मजारे कायद के दरबार में जाब्ता ये पुकार रखे होंगे कि फिर रहे हैं खजां के हर तारे, चमन बचाओ आशियां की बातें। सामने ग्राम वो के जिनकी उम्मीदें करील और इरादे जलील होते हैं, वो दुनिया को कुछ देने की कोशिश करते हैं, अपनी कमजोरियों पर काबू पाकर उन पर काम करने की कोशिश करते हैं। और अगर आज आज हमने अपनी कमजोरियों पर काबू न पाया, अगर आज हमने अपने हालात को बदलने की कोशिश न की, तो ना ये चमन रहेगा और ना ही आशियां सलामत रहेगा। आने का कार्य ही वो वक्त है जब हमें अपने मुल्क के बढ़चुदा निजाम के खिलाफ मिलकर आवाज उठानी है, जब हमें जुल्मात के बढ़चुदा सियासतदानों को ये बताना है कि हम इकबाल के खाब की ताबीर हैं, हम कायद के जज्बों की उमंग हैं, हमारे कदमों में जलजिले हैं, हमें मरने के हौसले हैं कि मंजिल हमारे पाँव से दो गाम ही तो है, कि मंजिल हमारे पाँव से दो गाम ही तो है, शब की झलक सुबह का पैगाम ही तो है। दस्ते फलक में एक ही ऊंचा गड्ढा होता था, गिर जाते थे सबसे जगमगा, सभी नहीं लगी ऊंचा भी वही लगी। हाँ, और वो रात को मिट्टी के दिए जलाकर चरागा करना, क्या जज्बा था, क्या खुशी थी। अरे भाई, जज्बा और खुशी तो अभी भी बनी है, बस जरा 14 अगस्त को आने दो। अस्सलामुअलैकुम मम्मी, अस्सलामुअलैकुम आंटी, वालेकुम सलाम। मैं बहुत ही हेक्टिक दिन था, पूरे 8 घंटे की सर्जरी थी, मैं तो बहुत थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ आराम करने। आप आराम कर जा रही। और बताओ आप क्या देगा, जिनमें क्या हाल चाल चल रहे हैं। बस क्या बताऊँ, आज ही मेहरबानों आई थी, बड़ी परेशान लग रही थी, मैंने पूछा क्या मसला है, बोलने की बातें छुट्टी चाहिए, बच्चे की तबीयत बहुत खराब है, सुबह को बड़े बड़े नीला पड़ गया था और बहुत गहरे गहरे सांस ले रहा था, मुझे उसका बिना आज को अस्पताल ही लेके गया। मैंने थोड़ी तफ्तीश की बच्चे का मसला क्या है, तो बोले ना कि बच्चे के दिल में सुराख है। मैंने बोला किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। हाँ, अब बहुत सारे गरीब लोग इतने पैसे कहाँ से लाएंगे, तो गली के छोटे मोटे डॉक्टरों को दिखा के टीका लगवा देते हैं बेचारे। अरे तुम हिजा से नहीं गई थी, वो भी तो दिल अच्छी डॉक्टर है। मैं सोच रही हूँ आज मैं हिजा से इसके मुताबिक बात करूँ। हाँ, अरे मुझे याद आया, मुझे बच्चों को 14 अगस्त की शॉपिंग कराने ले जाना था, मुझे डर है तो मैं चलती हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज। हिफ्ज़ा बेटा। जी अम्मी, आपने मुझे बुलाया। हाँ बेटा बैठो, बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी मेहरबानों की बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है बेटा, उसके दिल में सराब है, तुम उसके लिए कुछ कर सकती हो। एक तो पाकिस्तानी गौर को मुफ्ते का बड़ा शौक है, जहाँ पर मुफ्ते का रफ्ता देते आ जाते मशवरे लेने। बेटा ऐसा नहीं बोलते अम्मी प्लीज, आपको पता है ना मैं कितनी थकी हुई आई हूँ हॉस्पिटल से, ऊपर से आप भी शुरू ही हो जाती हैं। बेटा मैं जानती हूँ, अभी आप बहुत थकी हुई आई हो। देखो बेटा, बार दफ़ा जरा सी लापरवाही इंसान के लिए ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाती है। अभी का आराम तो आपके वक्त थकन को दूर कर देगा, मगर बाद में पछतावे का एहसास तमाम ज़िंदगी तुम्हारे साथ रहेगा, और फिर जो तुम्हें थकन हावी होगी वो तुम कभी ढूंढ नहीं कर पाओगे।
इंसान वजूद में आया और लोग अपनी गली गालियों में हिजरत कर रहे थे, तो रास्ते में इन पर एक बहुत बड़ा दावा बोल दिया गया था। पूरे पूरे खानदान जला दिए गए थे और जो लोग जिंदा बचे उन्होंने अपने ही प्यारों के सर अपनी आगे कलम को ले लिए थे। बेटा हम में से बहुत कम लोग थे जो पाकिस्तान पहुँच सके थे। बेटा रास्ते में तो इतने सारे खेमे थे जिसमें बीमार मर्द और मदद के मुंतजर थे। हमारे खानदान में से बस मैं और मेरा भाई जिंदा बचे थे। मेरा भाई मुझसे उम्र में तो बड़ा था मगर हालात ने उसको ऐसा वैसा जदा किया कि वो एक कोने में छुप के बैठ गया और किसी की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। हाँ मैंने लोगों की देखा देखी में थोड़ी हिम्मत पकड़ी और जितने लोगों की मदद कर सकती थी मैंने की। ये आज उन्हीं लोगों की दुआओं का सिला है कि आज उनकी जिंदगी में बहुत खुश और मुतमईन है। बेटा याद रखो पाकिस्तान एक नेमत है और इसमें रहने वाले लोग हमारी जिम्मेदारी है। आज तक मेरा भाई इस एहसास को लेकर बहुत पछताता है। बेटा मैं चाहती हूँ तुम अपनी जिंदगी में होश से काम लो और जितने लोगों की मदद कर सकती हो तुम करो। अच्छा मियाँ बिल्कुल सही कह रहे, मैं अभी जाके मेहरबानों के ना बच्चे का अस्पताल में जाके इलाज करूँ। अब मैं जैसे ही वापस आना तैयार हो लूँ हम कहीं बाहर ना घूमने चलेंगे। ठीक है ना? थैंक यू सो मच अभी फॉर योर गाइडेंस। नो प्रॉब्लम बेटा, ऑलवेज देयर फॉर यू। शुक्रिया। जश्न आज़ादी मुबारक। Department of Student Affairs and Sir Irfan Harun and his team for guiding us and collaborating with us and cooperating with us in each and every step and helping us in getting and achieving this very awesome event. Last but not the least, I'd like to thank my team who are very diligent, very hardworking, very patriotic. They have been standing in a scorching heat for the making of this video and then very effortlessly just editing it all. Then participants in the speech and the play have been working very hard. They had their modules, they set up their classes, but yeah, they prepared very hard just to portray their patriotism on this day. So a huge round of applause for my team. Thank you very much. परेशान ना होना, मैं तुम्हें भी बुला लूंगा, एक दिन जरूर मिलेंगे हम। माफ करना जरा सा खुदगर्ज हो गया हूं मैं कि अब इसके सिवा कोई चारा ही नहीं। लोग तो मरने के बाद पुलिस राह से गुजरते हैं, मैंने दुनिया में ये रास्ता तय कर लिया। पता है मां, सोचा कि लाइल्म रखूंगा तुझे अपनी हर आजमाइश से, पर अब खत लिख ही रहा हूं, कोई हर्ज नहीं अगर ये राज अफशा। क्या करें?